2024 নরেন্দ্র মোদীকে আমরা নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ভারতবর্ষের চেয়ার থেকে ছড়াবই 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 রাজনৈতিক ভাবে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान जंग है। ये लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा वादा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान मैं ऐलान करती हूं कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। पंचायत निर्वाचन चार जने जमानत बाजेयाप्त कर दिन আমরা কথা দিচ্ছি 2024 এ নরেন্দ্র মোদীকে আমরা নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ভারতবর্ষের চেয়ার থেকে ছড়াবই 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 রাজনৈতিকভাবে, এটা আমাদের শপথ। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, वो संसद में हमारा समर्थन चाहते हैं, हम बीजेपी के विरोध में उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें CPIM से हाथ मिलाने के बाद बंगाल में समर्थन मांगने के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए। आज के तुमरा बोलचो बांग्लाय शांति नहीं, किसे शांति? CPIM एर अमरे कौन शांति छिलो? শ্মশানের শান্তি? কংগ্রেস অনেক রাজ্য চালিয়েছ, CPIM এর সবচেয়ে বড় দোসর আর বিজেপির বড় দোসর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় CPIM এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा, भांगर में जो हिंसाएं हुई उसके लिए TMC जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का बहाना ढूंढ रही है।